दोस्तों भारत में बहुत कम ऐसी सीरीज या मूवी हैं जो ज़ॉम्बीज पर आधारित हैं। उनमें से एक वेब सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वेब सीरीज का नाम है बेताल, जो 2020 में रिलीज हुई। इस वेब सीरीज के टोटल 4 एपिसोड हैं, जो मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, सो एंड तक जरूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम कुछ गांव वालों को देखते हैं जो बेताल देव को पूज रहे थे और अपनी मान्यता के अनुसार उनको खून की भेंट चढ़ा रहे थे। तभी वहां एक आदमी आता है और बताता है कि प्रदेश से कुछ लोग हमारे पहाड़ों को छीनने आ रहे हैं, हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। तभी वहां खड़ी मौसी हंसने लगती है, फिर गांव वाले उसको शांत कराते हैं। वो कहती है उन्हें सुरंग मत खोलने देना, क्योंकि मैंने विनाश देखा है। नेक्स्ट डे हम एक सानवी नाम की लड़की को देखते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाई हुई इस टनल के सामने खड़ी थी। वो वहां पर अपनी माँ और अपने पापा के साथ आई थी। उसके पापा सूर्य कंस्ट्रक्शन के मालिक थे और वो ही इन गांव वालों से इनकी जगह हड़पना चाहते थे। अजीत इस सुरंग को खुलवाना चाहता था ताकि यहाँ पर आना जाना आसान हो जाए। अजीत के ही साथ आया भुन्नू सानवी और उसकी माँ शकुंतला को बताता है कि 1857 की लड़ाई में ये क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था, यहाँ बहुत से अंग्रेज मारे गए थे। तभी वहाँ आसपास के गांव वाले आकर हल्ला करने लगते हैं और इस सुरंग को खोलने से रोकते हैं। फिर एमएलए अपने दोस्त अजीत को कहता है, मंत्री जी यहाँ पर पूजा करने के लिए आने वाले हैं और तुम अब तक इस टनल का दरवाजा भी नहीं खुलवा पाए, अगर बारिश शुरू हो गई तो सारा काम डिले हो जाएगा। अजीत कहता है, आप चिंता मत करिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ये सुरंग खुलवाता हूँ। फिर भुन्नू कहता है, आपने वादा तो कर दिया लेकिन ये आदिवासी आपको टनल खोलने नहीं देंगे। अजीत कहता है, कौन आदिवासी, सबको ये कहो कि ये नक्सलवादी हैं। फिर जल्द ही ये बात टीवी न्यूज पर आ जाती है कि सीएम साहब कैंपा के जंगलों में बंद पड़ी टनल को दोबारा खोलकर वहां पर हाईवे बनाना चाहते हैं, लेकिन नक्सलवादी लोग ऐसा करने नहीं दे रहे। ये है विक्रम सिरोही और इसके साथ में है डिप्टी कमांडेंट अहलुवालिया। तभी वहां पर नादिर नाम का एक फौजी आता है। वो विक्रम सिरोही को कहता है, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। फिर वो विक्रम सिरोही को उनकी इकट्ठा की हुई न्यूज और आर्टिकल दिखाता है। तभी वहाँ अकबर नाम का फौजी आता है। वो बताता है कि नादिर मेरा छोटा भाई है, ये अभी नया है। अकबर विक्रम को पसंद नहीं करता था। तभी कमांडेंट मैडम त्यागी विक्रम सिरोही को अपने पास बुलाती है और बताती है कि कैंपा के जंगलों में कुछ नक्सलवादी लोग रहते हैं और वे नहीं चाहते उनका इलाका डेवलप हो। तुम तो जानते ही हो, अगर पिछड़े हुए इलाकों को डेवलप करना है तो उनको दुनिया से जोड़ना पड़ता है। सरकार कैंपा को उसका पहला हाईवे देना चाहती है ताकि इस पूरे इलाके की तरक्की हो जाए। तभी उनके पास अजीत की वीडियो कॉल आती है। वो कहता है कि हमें आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ गई है, कुछ नक्सली हाईवे के बीच में रोड़ा अटका रहे हैं, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है जो भी बीच में आए उसको संभालने की। फिर मैडम विक्रम सिरोही को कहती है, अगर तुम ये मिशन अच्छे से संभाल लेते हो तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। फिर उसके जाने के बाद त्यागी मैडम अजीत को कहती है, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर विक्रम सिरोही सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर कैंपा के जंगलों में जाता है जहाँ पर टनल थी। वो इलाका बहुत ही खूबसूरत था लेकिन दुनिया से कटा हुआ था। जब CIPD की टीम उस गांव में पहुंचती है तो सभी आदिवासी लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते वहां पर गांव के सभी लोग आ जाते हैं, वे फौजियों का रास्ता रोक लेते हैं। फिर विक्रम सिरोही लाउडस्पीकर में कहता है कि हम लोग यहां पर आपकी रक्षा के लिए ही आए हैं, हम आपको यहां से सुरक्षित निकाल कर दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर देंगे और इसी में आपके परिवार की और आपके समुदाय की भलाई है। आप में से जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उसको हम नक्सलवादी मानकर उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विक्रम सिरोही की ये बात सुनकर सभी गाँव वाले उन पर पत्थर बरसाने लगते हैं। तभी कमांडेंट त्यागी अजीत से जाकर मिलती है। फिर वो अपने लैपटॉप में देखती है कि गाँव वाले भड़क गए हैं। फिर फौजी सभी गांव वालों को ढूंढ ढूंढ कर पीटते हैं। ऐसा होते हुए अजीत और उसकी फैमिली खड़े खड़े देख रहे थे। फिर उनमें से एक गांव वाली जिसका नाम पुनिया था वहां से जंगल की तरफ भाग जाती है। वे लोग जंगल में बने एक घर में जाते हैं जो कि अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था। गांव वालों ने उस घर के आसपास एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी। फिर वे दरवाजे पर जाकर घंटी बजाते हैं। अंदर से मौसी झांकती है। फिर वे मौसी को कहते हैं कि आपके होते हुए वे सभी हम गांव वालों पर जुल्म कर रहे हैं और हमें कहीं और लेकर जा रहे हैं। वे फौजी सभी गांव वालों को ट्रक में भरने लगते हैं। फिर विक्रम सिरोही त्यागी मैडम को बताता है कि विलेज सिक्योर है, अब हम सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर JCB से सभी गांव वालों के घर तोड़ दिए जाते हैं और घरों में आग लगा दी जाती है। फिर विक्रम सिरोही और उसकी टीम सुरंग की तरफ जाने लगते हैं। सुरंग के मुख्य द्वार पर कुछ गांव वाले मौसी को लेकर पहले से ही खड़े थे। फिर वे गांव वाले फौजियों को देखकर अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं। सभी फौजी अलर्ट हो जाते हैं।
फिर मौसी अपना घूंघट उठाती है और कहती है कि मैं तुमको सुरंग खोलने नहीं दूंगी, यदि ये सुरंग खुली तो ये श्राप सभी को नष्ट कर देगा। फिर विक्रम त्यागी मैडम को बताता है कि ये नक्सली कुछ अंधविश्वासों की वजह से हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। विक्रम कहता है, देखिए हम सब आपके दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। सरकार आपको अपना गांव फिर से कहीं और बसाने में पूरी हेल्प करेगी। मौसी कहती है, एक श्राप की वजह से ये सुरंग हमेशा बंद रहनी जरूरी है। विक्रम कहता है, बेहतर यही होगा आप सब लोग अपने हथियार डाल दें। अहलूवालिया कहती है, विक्रम एक बार इनकी हालत तो देखो, कहीं से भी ये तुम्हें फाइटर दिख रहे हैं। फिर विक्रम त्यागी मैडम को कहता है, मैडम हमें ये लोग कहीं से भी नक्सली नहीं लग रहे। फिर त्यागी मैडम अजीत को कहती है, हम इन लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अजीत कहता है, जब 13 घंटे बाद यहाँ सीएम साहब आएंगे तो यही बात आप उनको बता देना। फिर त्यागी मैडम विक्रम को ओपन फायर का ऑर्डर देती है। विक्रम कहता है, मैडम जब तक ये लोग शुरुआत नहीं करते हम लोग फायर नहीं करेंगे। लेकिन त्यागी मैडम कहती है, ऑर्डर्स फॉलो करो। फिर विक्रम सभी को बॉडी कैमरा बंद करने के लिए कहता है। अहलू कहती है, विक्रम एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, ये लड़ाई नहीं मासूमों की हत्या है। उधर अजीत त्यागी मैडम पर गुस्सा हो रहा था कि आपके आदमी फायर क्यों नहीं कर रहे। फिर अजीत बुन्नू को इशारा करता है और वो साइड में जाकर एक बॉम्ब विस्फोट कर देता है। फौजियों को लगता है कि नक्सलवादियों ने शुरुआत कर दी है और फिर वे गोलियां चलाने लगते हैं। मौसी सहित कई गांव वाले मारे जाते हैं लेकिन पुनिया बच जाती है। अब रात की चांदनी में अजीत सबको प्रसाद बांटता है क्योंकि अब वो काम शुरू करने जा रहा था। अजीत की वाइफ शकुंतला उसको यहाँ से चलने के लिए कहती है लेकिन अजीत कहता है, हमारे पास समय कम है, कल सीएम साहब आएंगे, उससे पहले हमें यहीं पर रहकर काम शुरू करवाना होगा। उसकी बेटी सानवी डरी हुई थी क्योंकि आज उसने नरसंहार देखा था। तभी भुन्नू अजीत के पास जाता है और कहता है, गलती से हमारा ड्राइवर बम विस्फोट में मारा गया। अजीत कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो गाड़ी झटके मारकर चलाता था। फिर वे फौजी एक बूढ़े आदमी और पुनिया को बंदी बनाकर वहां से ले जाने लगते हैं क्योंकि फायरिंग में ये दोनों बच गए थे। फिर वे उनको गाड़ियों के पास ले जाकर बिठा देते हैं क्योंकि इन दोनों को ठोकने का ऑर्डर मिला था। पुनिया कहती है, सुरंग खुल गई तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है अनजाने में तुम लोग किस शक्ति को जगा रहे हो। हम लोग तो सिर्फ सुरंग की रखवाली किया करते थे ताकि कोई भी इस सुरंग को खोल ना पाए। हम उग्रवादी नहीं है साहब, वो धमाका हमने नहीं करवाया था। हमारे गांव में कोई भी नक्सली नहीं है। अकबर कहता है, जल्दी से ये तामझाम खत्म करो और निकलो यहाँ से। तभी सुरंग के बाहर खड़े भुन्नू और अजीत सुरंग के अंदर गए अपने आदमियों के रिस्पांस का इंतजार कर रहे थे लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। तभी अंदर से एक वर्कर बाहर आता है जो पूरी तरह से लहूलुहान था। गेट पर आकर वो गिर जाता है। उसको देखकर सानवी चिल्लाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर त्यागी मैडम विक्रम सिरोही को बुलाती है और कहती है कि सुरंग में और विद्रोही हैं। विक्रम कहता है, यादव तुम इन लोगों के पास रुको, मैं बाद में आकर इनसे पूछताछ करूंगा। और बाकी सभी को वो अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर जब वे सभी त्यागी मैडम के पास पहुंचते हैं तो मैडम बताती है कि अंदर से गोलीबारी की आवाज तो नहीं आई, हो सकता है उनके पास बंदूकें ना हो लेकिन बंधक हो सकते हैं, बी केयरफुल। फिर त्यागी मैडम खुद अपने कुछ आदमियों को लेकर सुरंग के अंदर जाती है। अंदर अंधेरा था इसलिए वो अपने नाइट विजन ऑन कर लेती है। अहलूवालिया टनल के बाहर से लैपटॉप में सब कुछ देख रही थी। उन लोगों को अंदर एक भी वर्कर नहीं दिखा लेकिन उनके हेलमेट और टॉर्च वहीं पर पड़े थे। फिर त्यागी मैडम को वहां पर अंग्रेजों के समय की एक टी-शर्ट मिलती है। तभी उनको वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है। फिर वे सब उसे कहते हैं कि हिलना मत और खुद उसके पास जाने लगते हैं। तभी कैमरे की डिस्टरबेंस बढ़ जाती है और अचानक से सभी कैमरे बंद पड़ जाते हैं। फिर अंदर से गोलियां चलने की आवाज आती है। फिर दो घायल फौजी सुरंग से बाहर आते हैं। विक्रम पूछता है, त्यागी मैडम कहाँ है? वे जवाब नहीं देते और बेहोश हो जाते हैं। फिर विक्रम कहता है, मैं अंदर जा रहा हूँ। अहलूवालिया कहती है, ये गलत डिसीजन है। लेकिन तभी नादिर कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसका भाई उसे रोकता है क्योंकि ये उसका पहला मिशन था। लेकिन विक्रम नादिर को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वे सुरंग को अच्छे से चेक करते हैं, उनको कोई भी नहीं मिलता। फिर वे सुरंग के और अंदर जाते हैं। वहां उन्हें त्यागी मैडम मिल जाती है जो कि छत की तरफ देख रही थी। फिर जब वे दोनों भी छत की तरफ देखते हैं तो उनको छत के ऊपर एक अजीब सी चित्रकारी दिखती है। लेकिन ये कोई चित्रकारी नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज थे। फिर उनके नीचे आने से पहले वे दोनों त्यागी मैडम को लेकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक ज़ॉम्बी नादिर को खींच कर ले जाता है।
लेकिन विक्रम उस जोंबी को मार के नादिर की जान बचाता है। फिर वे सभी भागकर सुरंग से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वे चिल्लाते हैं, सभी लोग यहाँ से निकलो। उन सभी जोंबीज के पास बंदूकें भी थी जिनसे वे फौजियों पर फायर करते हैं। फिर ये सभी फौजी अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ियों के पास भागते हैं। यादव बताता है वे दोनों नक्सली मुझ पर हमला करके भाग गए। फिर विक्रम सिरोही वहाँ का मैप निकालता है और कहता है सब लोग नीचे लेटे रहो। फिर मैप को देखकर वो बताता है कि ये फिरंगियों की फौज का बेस है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक जगह है जहाँ हम सब छिप सकते हैं। हम वहाँ चलकर बैकअप बुलाते हैं। अकबर कहता है तू हम सबको मौत के मुंह में धकेलना चाहता है। विक्रम पूछता है कोई और ऑप्शन है तेरे पास? फिर वे सभी जंगल में घुस जाते हैं। वे जोंबीज अभी भी उनके ऊपर फायर कर रहे थे। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थी। फिर वे अंग्रेजों की बनाई हुई उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर मौसी रहा करती थी। वो दरवाजा खटखटाते हैं क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से पुनिया की आवाज आती है कि जो लोग जख्मी हैं उनको बाहर छोड़ दो, बाकी सब अंदर आ सकते हो क्योंकि जख्मी लोग हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। विक्रम देखता है कि वे जोंबी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके ऊपर निशाना साधे हुए हैं। फिर विक्रम जोर से चिल्लाता है नीचे बैठ जाओ। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जोंबीज की फौज उन सभी पर फायर कर रही थी। विक्रम सिरोही सभी को नीचे बैठने के लिए कहता है। सभी तो बैठ जाते हैं लेकिन सानवी की मां शकुंतला गोली लगने की वजह से मर जाती है। इतने में वहां और जोंबी आ जाते हैं। विक्रम उन पर ही गोलियां चलाने लगता है। फिर वे सभी जोंबीज छिप जाते हैं। तभी आहलूवालिया गेट पर गोलियां चलाने लगती है और कुंडी टूटने के कारण गेट खुल जाता है। फिर वे सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं। वे घायलों को भी घर के अंदर ले जाते हैं। फिर विक्रम सिरोही घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर आहलू सभी को घर सिक्योर करने के लिए कहती है। फिर सभी लोग खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करने लगते हैं और चारों तरफ बंदूकें लेकर तैनात हो जाते हैं। फिर विक्रम सिरोही घर के और अंदर जाता है। वहां उसे एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जो अंदर से बंद था। वो कहता है दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। अंदर से पुनिया की आवाज आती है, तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, हम नहीं खोलेंगे। इतने में नादिर को भी होश आ जाता है। फिर वो पूछता है मैं कहाँ हूँ। उसका साथी यादव कहता है कि मैंने तुम्हारा घाव साफ करके उसमें टांके लगा दिए हैं। घबराना मत, उन्होंने तुमको बुरी तरह से काटा है। कांजी अपनी गन लेकर बाहर की तरफ देख रहा था लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर अकबर अपने भाई नादिर के पास जाता है और कहता है क्या बे साले, पहले दिन ही परमवीर चक्कर चाहिए था क्या? वहाँ अंदर हुआ क्या था? वो कहता है भाई मुझे कुछ याद नहीं है। फिर अकबर कहता है आगे से हीरो मत बनना वरना मुझे खाला को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तभी भुन्नू अजीत को कहता है कि हमें सब कुछ इनको बताना पड़ेगा कि वो ब्लास्ट हमने किया है, बाहर बहुत कुछ गलत हो गया है। अजीत कहता है हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसका ब्लेम हम पर आए, जबान बंद रखना वरना जिस गटर से उठाकर लाया हूँ उसी गटर में पहुँचा दूंगा। तभी त्रिपाठी को अपने बैग पर से एक 0.75 कैलिबर की बुलेट मिलती है। उसे लगता है कि नक्सलवादी होममेड बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो ये बुलेट अकबर को देता है और अकबर ये बुलेट विक्रम सिरोही को दिखाता है और कहता है कि सदियों पुरानी बुलेट्स हम पर अजमाई जा रही हैं। फिर वो यादव के पास जाता है और सिरोही मैडम का हाल पूछता है। यादव कहता है मैडम की पल्स तो नॉर्मल है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दे रही। वो पूछता है मैडम के बालों को क्या हुआ, सफेद कैसे हो गए? यादव कहता है शायद शोक की वजह से हो गए। फिर आहलूवालिया घर के अलग अलग हिस्सों में जाकर और बाहर भी कैमरे लगा देती है। फिर विक्रम त्यागी मैडम से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि टनल में जो मैंने देखा क्या आपने भी वही देखा? तभी मैडम को होश आ जाता है। वो बताती है कि वो मेरी आंखों में देखकर मुझसे बात कर रहा था। वो मुझे अपने ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कह रहा था। उसने कई सालों से बाहर की दुनिया नहीं देखी, अब उसकी ताकत वापस आ रही है। ये कहकर मैडम फिर से सुन हो जाती है। आज उनके 6 सिपाही शहीद हो गए थे, उनमें से 2 की बॉडी इनके ही पास थी। फिर वे उस घर की लाइट ऑन करते हैं और उन सिपाहियों के शवों को अंदर ले जाने लगते हैं। फिर वे अपने वॉकी टॉकी पर बात करते हैं कि हमें बैकअप चाहिए, हमारे साथ इस घर में नक्सल भी हैं जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। विक्रम कहता है काल तो जा रही है लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। आज हमारी जिनके साथ भी मुठभेड़ हुई थी वे कोई साधारण सिपाही नहीं थे, चाहो तो नादिर से पूछ लो। नादिर कहता है आई एम सॉरी सर पर मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर विक्रम कहता है सुबह होने में 12 घंटे से भी कम का समय बचा है, हमें यहीं पर रहकर सीएम के आने का इंतजार करना चाहिए। कल वे जैसे ही यहाँ पर मिलिट्री एस्कॉर्ट के साथ पहुँचेंगे हम यहाँ से निकल जाएंगे। अकबर कहता है बाहर वाले दुश्मन अगर अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आहलू कहती है ये ठीक कह रहा है। फिर विक्रम और अकबर दोनों में बहस हो जाती है। विक्रम कहता है तुम सबको मैं लीड कर रहा हूँ,
आगे भी मैं ही करूंगा। अकबर कहता है, तेरी वजह से ही हम यहाँ पर आए थे, हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। तभी त्यागी मैडम अपने मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। फिर विक्रम सिरोही कहता है, मैं पहले वो रूम खुलवाता हूँ और उन गाँव वालों से पूछताछ करता हूँ। अजीत कहता है, गोली मारो सालों को, वे एनकाउंटर के गवाह बन सकते हैं, ये लोग बाद में हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अहलूवालिया कहती है, सर हम सिर्फ CIPD के ऑर्डर्स मानते हैं, सिविलियन के नहीं। आपने तो कहा था टनल में कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो बंदूकों के साथ हमारा इंतजार हो रहा था। फिर अजीत कहता है, मुझसे फालतू बहस मत करो। फिर वो उसके चेहरे की तरफ इशारा करके कहता है, मुझे लगता है कि तुमने अपने पहले एक्सपीरियंस से कोई सबक नहीं सीखा। फिर अहलूवालिया को गुस्सा आ जाता है, लेकिन विक्रम उसे शांत बैठने के लिए कहता है। तभी उनको वॉकी टॉकी में से अजीब सी आवाजें आने लगती है, बच्ची को मेरे पास लाओ वरना मैं तुम सबको चीर दूंगा। फिर विक्रम नादिर को कहता है, तुम अजीत और उसकी बेटी को लेकर सेफ जगह जाओ और बाकी सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, कोई भी मूवमेंट हो तो गोली मार देना। तभी यादव जो लाशों के पास था वो वहां से वापिस आने लगता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर लाशें पड़ी ही नहीं थी। फिर विक्रम और उसकी टीम को चिल्लाने की और गोली चलने की आवाज आती है। फिर जब वे वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें यादव की लाश मिलती है। चंदन और त्रिपाठी की लाशें वहां से गायब थी। वे सोचते हैं जरूर वे गांव वाले उन लाशों को ले गए होंगे। दूसरी तरफ अजीत अपनी बेटी को हौसला दे रहा था कि मेरा विश्वास करो, कुछ नहीं होगा। उसकी बेटी सानवी कहती है, पापा मैंने देख लिया था, आपके ही ऑर्डर पर भुन्नू अंकल ने वो बम विस्फोट किया था, आपने ऐसा क्यों किया था? अजीत अपनी बेटी को कहता है, तुम सो जाओ। फिर वो नादिर को कहता है, मेरी बेटी का ख्याल रखना। तभी विक्रम सिरोही दरवाजे को काटने की कोशिश करता है और आवाज लगाकर पूछता है, तुम लोग लाशों का क्या कर रहे हो? पुनिया कहती है, इसका मतलब लाशें गायब हो गई हैं। साहब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। फिर वो दरवाजा खोल देती है और विक्रम को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आके वो दरवाजा बंद कर देती है। फिर विक्रम अंदर जाकर देखता है उन लोगों ने रिचुअल की तैयारी कर रखी थी। फिर वो पुनिया से पूछता है, लाशें कहाँ है? पुनिया कहती है, गुफा में शैतान तुम लोगों पर टूट पड़े थे ना। फिर पास में बैठा बूढ़ा कहता है, ये कोई आम हमला नहीं था, हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। विक्रम पूछता है, ये कौन है? पुनिया कहती है, ये मेरा आदमी है। फिर वो विक्रम को अंदर ले जाकर दिखाती है, उन्होंने शकुंतला की लाश को बांध रखा था। ये देखकर विक्रम उसके ऊपर गन तान देता है। पुनिया बताती है कि एक बार अगर वे किसी को घायल कर दें, दांतों से या नाखून से, तो वे भी इनके ही जैसे बन जाते हैं। ये देखो, इसको शैतान की गोली लगी थी, इसलिए हमें पता नहीं था इसके साथ क्या साइड इफेक्ट होगा, हमने तो इसको बांधकर अपनी सावधानी बरती थी। फिर विक्रम गन नीचे कर लेता है। पुनिया कहती है कि यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, बेताल पहाड़ में काला साया है, उन भूतों से ऐसी बीमारी लगती है जिससे पूरा शरीर उनके ही जैसे बदल जाता है, बल्कि शरीर ही नहीं आत्मा भी बदल जाती है। एक बार जो उनके जैसा बन गया तो वो उनकी ही फौज में शामिल हो जाता है, एक ऐसी फौज जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती। विक्रम पूछता है, किसकी फौज है ये? पुनिया कहती है, कर्नल की, वही तो है बेताल। फिर वो बताती है कि यहाँ अंदर हम सुरक्षित हैं, हमने बाहर जो पुतले जलाए हैं और नमक हल्दी और राख की लक्ष्मण रेखा खींची है, उसी से हम सुरक्षित हैं। जब तक वो आग जलती रहेगी और वो लक्ष्मण रेखा खींची रहेगी, तब तक वे हम पर हमला नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था जिनको भी चोटें लगी हैं उनको घर से बाहर रहने दो। अब अगर आप अपने मुर्दा लोगों को नहीं संभाल पाए तो याद रखना, आप में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन मुर्दों को ढूंढो और जला दो, मिट्टी का तेल हमारे पास है। फिर जब वो यादव के पास जाता है तो यादव जाग जाता है, लेकिन विक्रम उसके टुकड़े टुकड़े करके जला देता है। फिर वो अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग वो लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर की तरफ गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन गांव वालों के पास हमारे साथियों की लाशें नहीं थी, चंदन और त्रिपाठी की लाशों ने यादव को मार डाला, वे हम पर भी हमला कर सकते हैं। अहलूवालिया कहती है कि मुझे लगता है तुम इस वक्त कमांड लेने की स्टेट में नहीं हो। फिर अजीत कहता है, अब चार्ज कौन लेगा? अकबर कहता है, अहलूवालिया ले लेगी। फिर वो कहती है कि हम 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, सब लोग रेडी रहना। फिर विक्रम सिरोही सानवी के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो नादिर को बाहर ले जाता है। तभी अजीत विक्रम का वॉकी टॉकी ले लेता है और कहता है, मैं उसी लड़की का बाप हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नेगोशिएट करना चाहता हूँ। लेकिन आगे से किसी की भी आवाज नहीं आती, इसलिए वो फोन को पटक देता है। विक्रम नादिर से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? नादिर कहता है, जी सर। फिर विक्रम उसका घाव देखता है, उसके पांव का घाव बहुत खराब हो गया था। फिर विक्रम दवाइयों वाले बैग में से एक नींद का इंजेक्शन निकालता है। नादिर रोने लगता है
मैं मरना नहीं चाहता सर। फिर विक्रम उसको इंजेक्शन लगाने ही वाला था, तभी वहाँ पर अकबर आ जाता है और विक्रम के ऊपर गन तान के कहता है पीछे हट। फिर वो विक्रम को पूछता है क्या किया तूने यादव की बॉडी के साथ, तू साले बीमार हो गया है। फिर वो उसे बैग पकड़ाने को कहता है और जैसे ही विक्रम झुकता है अकबर उसके माथे पर गन मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो आलू वालिया को कहता है विक्रम को यहीं पर छोड़ दो, उसका दिमाग खराब हो गया है। आलू कहती है वो हम में से एक है, ऐसे कैसे छोड़कर चले जाए। तभी नादिर की तबीयत खराब हो जाती है और वो जोंबी बनने लगता है। तभी सानवी को दरवाजे पर किसी की आहट होती है, वो देखती है कोई दरवाजा खोल रहा है। फिर वो बेड पर लेटकर अपने ऊपर चादर ढक लेती है। जब वो दोबारा देखती है तो उसे कोई जोंबी छत पर चलता हुआ नजर आता है, वो चलते हुए उसी की तरफ जा रहा था। सानवी डर जाती है। फिर विक्रम सिरोही को उसके चिल्लाने की आवाज आती है, उसकी आवाज सुनकर विक्रम अपने हाथ पांव छुड़वा लेता है। फिर वो जल्दी से भाग कर जाता है और सानवी को उस रूम से बाहर निकालता है। फिर वे दोनों किसी दूसरे रूम में घुस जाते हैं। फिर दरवाजा लॉक करने में पुनिया उसकी हेल्प करती है, पुनिया वहां पर विभूति और राग छिड़क देती है। फिर वे दोनों जोंबी वहां से भाग जाते हैं। फिर वो सानवी के पास जाता है और कहता है कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ वे सभी वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां पर विक्रम सिरोही आ जाता है और कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा, जितना हम लोग समझ रहे हैं हालात उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। अगर यकीन नहीं आता तो चंदन और त्रिपाठी की लाशें देख लो। तभी वहां पर नादिर आ जाता है। फिर पुनिया उसके गले पर कटार लगा देती है। फिर अकबर उसको गन दिखाकर कहता है इसको छोड़ दो। फिर पुनिया उसे जाने देती है। फिर विक्रम कहता है देख अकबर, तू एक बार उसकी पल्स चेक कर, तुझे खुद पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद ये भी चंदन और त्रिपाठी के जैसे बदलने वाला है। नादिर कहता है भाई चला दे इन पर गोली, मार दे सबको। फिर आलू वालिया कौशल को कहती है तू उसकी पल्स चेक कर। नादिर कहता है भाई मार दे इन सबको। इतने में पुनिया उसके ऊपर भभूति डाल देती है। भभूति की चपेट में आकर वो जोंबी में बदल जाता है और कौशल के ऊपर हमला कर देता है। फिर विक्रम भाग कर जाता है और उसको चादर में लपेट देता है। फिर उसके बाकी साथी भी उसको बांधने में विक्रम की हेल्प करते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और ये चिंता का विषय था, क्योंकि अगर बारिश हुई तो बाहर की आग भी बुझ जाएगी और लक्ष्मण रेखा भी मिट जाएगी। इतने में बारिश होने लगती है और घर के अंदर लाइट भी चली जाती है। तभी घर के आसपास मुर्दे आने शुरू हो जाते हैं। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं उस घर के बाहर एक जोंबी नगाड़ा बजा रहा था, तभी वहां सोए हुए मुर्दे जागने लगते हैं। नादिर कहता है कर्नल की आर्मी ने तुम्हें घेर लिया है और उसके कहने पर वो हमला कर देंगे। अंग्रेजों ने हमारे प्रेतों की शक्ति को चुरा लिया है, ये उनका सबसे खतरनाक रेजिमेंट है। ये वो फौज है जिसने अपनी बात को मनवाने के लिए हर हद को पार कर दिया था। मौत उनके लिए ऐसा खेल था जिसको खेलना उन्हें पसंद था। ये सब हुआ एक जालिम अफसर की निगरानी में जिसका नाम था कर्नल जॉन लैंडॉक। उसकी ये तमन्ना थी कि अंग्रेजों के हिंदुस्तान का वो इकलौता बादशाह बने। काले जादू से उसका बड़ा लगाव था। जब 1857 के विद्रोह के समय वे यहाँ सुरंग बना रहे थे तो विद्रोहियों ने उनको इस टनल के अंदर जिंदा कैद कर दिया था। फिर हमारे कर्नल ने काले जादू की सहायता से बेताल को जागने पर मजबूर कर दिया ताकि कर्नल उसकी शक्तियाँ छीन सके। फिर उसने एक एक करके अपने ही आदमियों का शिकार किया, वे सब उसके जैसे बन गए। अब हम सब की आँखें, हमारी सोच, हमारे इरादे सब एक है। अब 160 साल तक कैद रहने के बाद हम सब भूखे हैं। फिर विक्रम पूछता है हम तुम लोगों को कैसे हरा सकते हैं। नादिर कहता है वो लड़की हमारे हवाले कर दो, फिर शायद हमारा कर्नल तुम लोगों को जिंदा बख्श दे। फिर विक्रम जैसे ही उसके साथी जोंबी को जलाता है नादिर छटपटाने लगता है। फिर जैसे ही पुनिया नादिर की तरफ बढ़ती है तो अकबर उसे रोक लेता है और कहता है कि किसी ने भी मेरे भाई को हाथ लगाया तो मैं उसे मार डालूंगा। ये बात सुनकर नादिर हंसने लगता है। दूसरी तरफ अजीत वहां पर पड़ी हुई एक बुक पढ़ रहा था। बुक इंग्लिश में थी इसलिए वो अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कहता है। उसमें लिखा था जो भी बेताल की शक्तियों को काबू करेगा वो इन पहाड़ों से बाहर नहीं जा पाएगा, इसके लिए उसे एक लड़की की बलि देनी होगी, वो भी उसके जवान होने से पहले। तभी आलू वालिया विक्रम से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके ऊपर शक किया। फिर विक्रम कहता है अगर हम उस लड़की को नहीं बचा पाए तो हमें फौजी कहलाने का कोई हक नहीं। फिर आलू वालिया कहती है वादा कर अगर मैं इस नादिर की तरह बन गई तो तू बिना सोचे समझे मुझे गोली मार देगा। विक्रम कहता है पागल हम जिंदा यहाँ से जाएंगे, ना आधे जिंदा ना मुर्दा जिंदा, 100% पूरे जिंदा। कांजी अपनी दूरबीन में जोंबी को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि पहले हमारे देश का सोना चुराया फिर नौकरियां चुराई, अब क्या हमारे भूत भी चुराओगे सालो।
मैडम वालिया लगातार सानवी को घूरे जा रही थी। तभी सानवी को उसके पीछे कोई नजर आता है। फिर वो अपने पापा को कहती है उसके पीछे कोई आदमी है, लेकिन वो और किसी को दिख नहीं रहा था। तभी कांजी अंग्रेजों के उस ढोलक वाले को उड़ा देता है। उसके मरने से मैडम त्यागी को भी झटका लगता है। फिर अकबर नादिर से पूछता है, भाई तू मुझे पहचान तो रहा है ना? नादिर कहता है, मुझे तो तुम में सिर्फ मांस दिख रहा है। तभी मैडम त्यागी को होश आ जाता है। फिर आलू वालिया उसकी आंखें चेक करती है। त्यागी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं। फिर वो उन गांव वालों को देखकर कहती है, ये दोनों तो हिरासत में होने चाहिए थे। विक्रम कहता है, ये दोनों हमारी हेल्प कर रहे हैं। तभी सानवी अपने पापा को कहती है, मैंने त्यागी मैडम के पीछे एक आदमी को देखा था। फिर वो उसको कर्नल की फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या ये वही आदमी था? वो कहती है, हाँ यही था। तभी कांजी देखता है वो ढोलकी फिर से उठ खड़ा हुआ और ढोलक बजाने लगा। कांजी कहता है, सर मैंने उसको गोली मारी थी, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। फिर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी सिपाही आ जाते हैं। फिर आलू वालिया लैपटॉप में चेक करती है, लेकिन उस घर के आसपास तो कोई ज़ॉम्बी नहीं था। उस घर से थोड़ी दूर बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े हुए थे। तभी त्यागी मैडम कहती है, हमें बच्ची को उनके हवाले कर देना चाहिए। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तभी सानवी अपने पापा को कहती है, हमें ये सब विक्रम अंकल को बता देना चाहिए। उसका बाप उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती। फिर अजीत सानवी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पुनिया आ जाती है और कहती है, अगर बच्ची पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो सानवी को अपने साथ ले जाती है। फिर अजीत भागकर विक्रम के पास जाता है और कहता है, वे आदिवासी मेरी बेटी को उठा कर ले गए। पुनिया उसको रियर डोर से बाहर ले जाने वाली थी। वो सानवी को बताती है कि अगर तू त्यागी के हाथ लग गई तो वो तुझे उन भूतों के हवाले कर देगी। फिर त्यागी बोलती है, रियर डोर। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस बिल्डिंग के रियर डोर की तरफ भागने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी पुनिया के घर वाले को पकड़ लेता है। इतने में वहाँ विक्रम आ जाता है। वो गोलियां चलाकर उस आदमी को अंदर खींच लेता है। तभी वहाँ त्यागी आती है और पूछती है कि सानवी कहाँ है। सानवी को तो आहलू वालिया अपने साथ ले गई थी। वो उसको एक कमरे में ले जाकर बिठा देती है। उस कमरे में सानवी की माँ शकुंतला की भी लाश पड़ी थी। फिर वो उसके आगे पर्दा कर देती है। आलू वालिया सानवी को कहती है, देखो कुछ भी हो जाए तुम कमरे से बाहर मत निकलना और कमरे में यहाँ वहाँ मत घूमना। मैं जानती हूँ तुम बहुत बहादुर लड़की हो और इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लोगी। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस दरवाजे को सिर्फ मेरे और विक्रम सिरोही सर के लिए ही खोलना और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। फिर वो आलू वालिया को एक रिमोट देती है और कहती है, टनल के पास जो बम फटा था वो मेरे पापा और भुन्नू चाचा ने ही विस्फोट किया था। आप प्लीज उनको अरेस्ट कर लीजिए। आलू वालिया कहती है, इसे संभाल कर रखो, वक्त आने पर ये हमारे काम आएगा। फिर आलू वालिया के बाहर जाते ही सानवी दरवाजा लॉक कर लेती है। तभी अकबर पुनिया के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे घर वाले को मारने का ऑर्डर मिला है। पुनिया कहती है, जो करने आए हो जल्दी से करो और इसके बाद उसे जला देना, तुम्हारे भाई जैसा बिल्कुल मत बनने देना। अकबर पूछता है, तुम अपनों की ही जान लेने को तैयार हो? पुनिया कहती है, अगर ऐसा करने से बाकी लोगों की जान बचती है तो हाँ मैं तैयार हूँ। तभी पुनिया का घर वाला उसकी गोद में ही दम तोड़ देता है। अकबर कहता है, भाई है वो मेरा, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तभी पुनिया का घर वाला ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर पुनिया उसको मार देती है। ये देखकर नादिर छटपटाने लगता है। दूसरी तरफ मैडम त्यागी विक्रम को धमका रही थी कि अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे तो प्रमोशन तो दूर की बात है, नौकरी भी चली जाएगी। फिर वो विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहती है, जाकर आलू वालिया को गिरफ्तार करो और उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। इतने में आलू वालिया वहाँ आ जाती है और कहती है, मुझे याद किया, मैं हाजिर। फिर वो त्यागी को कहती है, मैं आपको भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम की धारा 7 और 15 के तहत गिरफ्तार करती हूँ। मेरे पास सबूत और गवाह दोनों है कि आपने अजीत के साथ मिलकर यहाँ भोले भाले गांव वालों को नक्सली कहकर मरवा दिया। विक्रम, ये लोग अपना पैसा बनाने के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे थे। फिर जब वो त्यागी का गिरेबान पकड़ती है तो बाहर से ज़ॉम्बीज की फौज घर की तरफ भागने लगती है। फिर वे सभी पोजीशन ले लेते हैं और उन पर फायरिंग करते हैं। फिर आलू वालिया देखती है त्यागी मैडम भाग गई है। तभी सानवी अंदर वाले रूम में जाती है और वहाँ पर पड़ी पेंटिंग्स देखने लगती है। फिर त्यागी दरवाजा खटखटाती है और कहती है, मैं हूँ बेटा। सानवी पूछती है, कौन है? त्यागी कहती है, बेटा मैं तो ये देखने आई हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। सानवी कहती है, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ वे सभी ज़ॉम्बीज पर फायर कर रहे थे। कांजी कहता है, ये गोलियां जलियांवाले बाग के लिए और ये लोग भगत सिंह की फैमिली के लिए। तभी सानवी का बाप अजीत त्यागी मैडम के पास जाता है और कहता है, वो जिद्दी है, नहीं खोलेगी, लेकिन मैं ये दरवाजा खुलवा सकता हूँ, लेकिन पहले मैं कर्नल से बात करना चाहता हूँ।
फिर त्यागी मैडम पीछे जाती है और कर्नल वहां आ जाता है। वो कहता है अपनी शर्तें बोलो। अजीत पहले उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, फिर कहता है कि मैं बहुत नीचे से उठकर यहाँ तक आया हूँ और यहाँ तक आते आते मैंने कई लोगों को बर्बाद किया है, लेकिन मैं शर्मिंदा बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन आज जो हुआ उसके लिए मैं ये सब बर्बाद नहीं कर सकता। अगर आप मुझे अपनी आधी शक्ति और आधी पोजीशन दे दें तो जो भी आपको चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा। मैं आपके ऊपर सानवी भी कुर्बान कर दूंगा। कर्नल कहता है सौदा मंजूर है। फिर अजीत दरवाजा खटखटाता है और कहता है मैं तुम्हारा पापा, मुझे अंदर आकर तुम्हारे साथ बैठना है। सानवी दरवाजा खोलने से मना कर देती है। अजीत बार बार उसको दरवाजा खोलने को कहता है। सानवी कहती है आप गंदे आदमी हो, आप अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हो, मैं आपसे नफरत करती हूँ। दूसरी तरफ अकबर पुनिया को कहता है तुम भी मेरी हेल्प करो। फिर वो पुनिया को साथ लेकर नादिर की तरफ बढ़ता है। नादिर कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम उसकी बात मत सुनना। अकबर कहता है मेरा भाई मर चुका है। फिर वो उसका काम तमाम कर देता है। तभी विक्रम देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज गायब हो गए हैं। आलू वालिया लैपटॉप में देखकर बताती है कि अजीत रियर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर विक्रम कहता है जाओ और उसे रोको। उधर सानवी को कुछ घसीटने की आवाज आती है। फिर वो वहां पर पड़ी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर देखती है, उस रूम में कोई था जो पर्दा हटाता है। तभी आलू वालिया अजीत के पास पहुंच जाती है और पूछती है भागने की तैयारी कर रहे हो? तभी विक्रम देखता है वे ज़ॉम्बीज अपनी गन लेकर आ गए। फिर वे ज़ॉम्बी उनके ऊपर फायर करते हैं। विक्रम लैपटॉप के पास पहुंचता है और देखता है आलू वालिया ने अजीत के ऊपर गन तान रखी है। फिर आलू वालिया कहती है अब तू इसकी सच्चाई इसके मुंह से ही सुन। वो अजीत को कहती है बता त्यागी को किसने पैसे दिए थे, तूने? फिर अजीत अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है और आलू वालिया को देने की कोशिश करता है। आलू वालिया वो पैसे फेंक देती है। तभी अजीत चाकू से उसका गला काट देता है। फिर वो पीछे का दरवाजा खोल देता है और ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुस जाते हैं। सबसे पहले वे ज़ॉम्बी आलू वालिया को खाते हैं। फिर कांजी विक्रम को कहता है हमें भी यहाँ से निकलना होगा। फिर विक्रम अकबर को भी बताता है कि बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज घुस गए हैं। फिर अकबर जहाँ भी था वहीं पर दरवाजा बंद कर लेता है और जंजीर से उसको लॉक कर देता है। तभी वहाँ भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और ज़ॉम्बी विक्रम के पास भी पहुँच जाते हैं। वे कांजी पर हमला कर देते हैं। फिर विक्रम भुन्नू को लेकर सानवी के पास जाता है और देखता है मैडम त्यागी गेट पर ही खड़ी हुई है। फिर वो त्यागी को दरवाजे से दूर हटाकर खुद दरवाजा खटखटाता है और सानवी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। तभी अंदर से उसकी माँ आवाज देती है और कहती है विक्रम पर भरोसा मत करना। विक्रम आवाज लगाता है अंदर जो कोई भी है वो तुम्हारी माँ नहीं है। बाहर दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। विक्रम की गोलियां भी खत्म हो गई थी। फिर विक्रम कहता है सानवी बेटा जल्दी दरवाजा खोलो, लेकिन उसकी माँ लगातार बोल रही थी कि उन्हें अंदर मत आने देना। फिर विक्रम की नजर त्यागी पर पड़ती है जो बार बार यही बात दोहरा रही थी इन्हें अंदर मत आने देना। फिर विक्रम उसके कान पे एक झापड़ देता है। इतने में सानवी को उसकी माँ के हाथ दिखाई देते हैं। फिर वो अपनी माँ को देखकर डर जाती है और जल्दी से दरवाजा खोल देती है। फिर वे सभी अंदर आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर विक्रम और भुन्नू उसकी माँ को पकड़कर अंदर ले जाते हैं और फिर से उसे मार देते हैं। तभी अजीत बाहर जाता है और ट्रैक्टर में रखा हुआ बॉम्ब उठा लेता है। फिर वो बॉम्ब लेकर टनल के अंदर जाता है। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड में क्या होगा। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं वे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहते थे। फिर अकबर पुनिया को कहता है जल्दी ही ये दरवाजा तोड़कर हमें मार देंगे, मुझे किसी भी तरह वहां पर पड़ा वॉकी टॉकी उठाना है। दूसरी तरफ रूम में जब भुन्नू और सानवी विक्रम सिरोही को बॉम्ब वाली बात बताते हैं तो वो कहता है मैं त्यागी मैडम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था। फिर सानवी कहती है मैंने किसी को उनके कान में विस्पर करते देखा है, वो जो भी था उसने त्यागी मैडम को जकड़ा हुआ था। विक्रम समझ जाता है वो कर्नल लाइन डॉग था। फिर वो त्यागी मैडम के पास जाता है और कहता है आपको पता है हम किसी भी हालत में सानवी को उनके हवाले नहीं करेंगे, कोई और रास्ता है उनसे बचने का? त्यागी कहती है क्या तुम पहले की तरह अब भी अच्छे सिपाही हो? विक्रम कहता है हाँ। फिर त्यागी मैडम के पीछे खड़ा कर्नल कहता है तुम मेरे सिपाही बनो और मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम इस औरत से भी ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे अपने कंधे पर ले लो, फिर हम उस लड़की को वहां ले जाएंगे जो उसकी सही जगह है। वो विक्रम पर अपना कब्जा करने ही वाला था तभी भुन्नू और सानवी त्यागी मैडम को चादर में लपेट लेते हैं। विक्रम कहता है तुमने अच्छा किया क्योंकि मैं कमजोर पड़ने वाला था। त्यागी कहती है वे पूरे जंगल में फैल चुके हैं, जल्द ही उन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, वो सानवी की नहीं तो किसी और की बलि दे देगा और फिर इन पहाड़ों से बाहर निकलकर जल्दी ही वे पूरे देश में फैल जाएंगे। तभी पुनिया गन लेती है और ज़ॉम्बीज पर चलाने लगती है। फिर अकबर जल्दी से वॉकी टॉकी उठा लेता है। फिर वो विक्रम को कहता है हमारे पास 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं है। विक्रम कहता है तुम वहीं रुको,
मैं अभी आता हूँ। फिर विक्रम सोचता है मैंने कह तो दिया लेकिन जाएंगे कैसे। फिर भुन्नू कहता है मैं इंजीनियरिंग का टॉप स्टूडेंट था, मैं किसी भी चीज को ठीक कर सकता था, ये काम आप मुझ पर छोड़ दो। वे इस समय हथियार घर में ही बंद थे। फिर भुन्नू वहाँ पर पड़ी तोप को रेडी करता है। उस समय उनके दरवाजे पर बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े थे। फिर वे दरवाजा खोल देते हैं और भागकर छिप जाते हैं। उन्होंने तोप के अंदर बहुत सारी कीलें डाली हुई थी। फिर जैसे ही ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं विक्रम फायर कर देता है और वहाँ मौजूद सभी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिर त्यागी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वे त्यागी को रूम में ही छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अजीत जो उस सुरंग में गया था वहां जाकर वो कर्नल को आवाजें देने लगता है और कहता है मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू भी अपना वादा निभा वरना तू जिंदा हो या मुर्दा मैं तुझे मार डालूंगा। फिर कर्नल उसको और अंदर आने को कहता है। दूसरी तरफ वे हाल में जाकर अपनी बंदूकें उठा लेते हैं और फिर अकबर और पुनिया की जान बचाने जाते हैं। वहां जाकर वे सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और अकबर और पुनिया को बाहर निकालते हैं। तभी विक्रम की नजर बॉम्ब के डिटोनेटर्स पर पड़ती है। फिर वो उसे उठाकर कहता है मुझे अभी एक काम करना है, मुझे सुरंग में जाकर कमांडिंग ऑफिसर को खत्म करना है, जब तक वो जिंदा रहेगा पूरा देश खतरे में रहेगा। फिर बाकी सब भी उसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर पुनिया बताती है कि गांव में सब लोगों के बैठने का एक कमरा होता है, वहाँ कुछ सामान पड़ा है जो हमारे काम आएगा। फिर वे दबे पांव बिना आवाज किए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वे छुप छुप कर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज बंदूकें लेकर खड़े थे। फिर वे पुल के नीचे बने नाले में से बाहर निकलते हैं क्योंकि पुल के ऊपर भी ज़ॉम्बीज खड़े थे। आगे जंगल में बहुत अंधेरा था। फिर विक्रम नाइट विजन की हेल्प से आगे बढ़ता है। आगे जाकर वो नाइट विजन में अपने साथियों को देखता है, उनमें सबसे पीछे आलूवालिया थी। फिर विक्रम अपनी टॉर्च जगाकर उसे कहता है अच्छा हुआ तूने मुझे ढूंढ लिया, त्यागी मैडम के बारे में तू सही कहती थी, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। वो विक्रम को अभी भी पहचानती थी। फिर विक्रम उसको मार देता है क्योंकि विक्रम ने उसको वादा किया था कि अगर वो ज़ॉम्बी में बदल गई तो वो उसे मार देगा। फिर वे उसको आग लगा देते हैं। फिर विक्रम नाइट विजन में देखता है और कहता है 4:30 बज चुके हैं, सीएम का सिक्योरिटी स्क्वाड आता ही होगा। फिर वे आगे बढ़ते हैं और बेताल देवता के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां एक पुतला भी पड़ा था और एक बॉम्ब भी। पुनिया कहती है हम इस बॉम्ब को पुतले में डालकर उनको दे देंगे और जब वो पुतले को लेकर अंदर जाएगा तो ये फट जाएगा। अकबर कहता है तू समझती है वे चू है, मैं जानता हूँ ये बॉम्ब तुम लोगों ने हम लोगों के लिए ही तैयार किए हैं। तभी उनकी वॉकी टॉकी पर आवाज आती है हम चार्ली डेल्टा कंपनी से हैं, सीएम की पूर्व सुरक्षा टुकड़ी, जल्दी से अपनी लोकेशन बताओ। विक्रम कहता है आप लोग जहाँ भी हैं वहीं रुक जाइए। तभी वो दस्ता गांव में पहुँच जाता है। विक्रम कहता है सीएम और उनकी टीम को वार्निंग की जरूरत है और हमें उनकी गाड़ियों की, उन जानवरों के इन तक पहुंचने से पहले तुम दोनों उनको ढूंढकर उनको अलर्ट करो और जैसे ही रास्ता साफ दिखे तुम लोग सानवी को लेकर निकल जाना। फिर वे पुलिस वाले अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर आसपास टॉर्च मारकर देखते हैं। फिर अकबर पुनिया को लेकर उन पुलिस वालों तक पहुंच जाता है। वे पुलिस वाले पूछते हैं छुप छुप कर क्यों आए। तभी कार के नीचे से ज़ॉम्बीज उन दोनों को खींच लेते हैं। फिर इससे पहले कि वहां और ज़ॉम्बीज आते वे दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी वहां और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उनकी कार को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ विक्रम वापिस उस मंदिर में जाता है और एक डोल बनाता है। फिर वो भुन्नू को बाहर से कपड़ा लाने के लिए भेजता है लेकिन बाहर त्यागी मैडम आ जाती है और उसे मार देती है। फिर वो अंदर जाती है, सानवी विक्रम को चौकन्ना कर देती है। फिर जैसे ही वो अग्रेसिव होती है विक्रम उसको ठोक देता है। मरते मरते वो फिर से विक्रम को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही वो विक्रम का हाथ पकड़ती है सभी ज़ॉम्बीज जिन्होंने अकबर और पुनिया को घेरा हुआ था पीछे हट जाते हैं। फिर पुनिया चुपके से नीचे उतरती है और पुलिस वाले की जेब से चाबियां निकालकर वापस कार में बैठ जाती है। फिर अकबर कार स्टार्ट करके मंदिर में आ जाता है। मंदिर में आकर वो मैडम त्यागी से पूछता है बाकी सब कहाँ है। त्यागी कहती है कर्नल ने मुझे छोड़ दिया और अकबर को पकड़ लिया। फिर वो खुद को शूट कर लेती है। तभी हम विक्रम सिरोही को देखते हैं, वो पुनिया को जबरदस्ती सुरंग की तरफ लेकर जा रहा था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था मैं अच्छा सिपाही हूँ। अकबर दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। फिर पुनिया उससे पूछती है अब तुम क्या करोगे। वो कहता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं अपने घर जाऊंगा और उनको महफूज रखने की कोशिश करूंगा। पुनिया कहती है मेरा तो कोई बचा ही नहीं है, अब एक फौजी अपने काम से भागेगा तो किसी को तो उसका काम पूरा करना पड़ेगा। फिर अकबर वहां से चला जाता है। तभी विक्रम उस लड़की को टनल के बहुत अंदर तक ले जाता है। वे देखते हैं अजीत को वहां पर एक पिंजरे के अंदर कैद किया हुआ था। फिर कर्नल आता है और विक्रम के कान में फुसफुसाने लगता है मार दो इस लड़की को, लेकिन तभी विक्रम को होश आ जाता है। फिर वो सानवी से माफी मांगता है लेकिन कर्नल वहां पर फिर से आ जाता है। फिर पुनिया अपने साथ बॉम्ब लेकर टनल की तरफ जाने लगती है। अकबर भी गाड़ी में बैठा खुद को कोस रहा था। तभी कर्नल फिर से विक्रम के कान में कहता है
मार दो इसे, लेकिन विक्रम उसकी आंख में ही चाकू मार देता है। फिर सभी जॉम्बीज की एक साथ आंख फूट जाती है। इतने में अकबर भी वहां गाड़ी लेकर आ जाता है। फिर पुनिया उसके साथ बैठ जाती है और जॉम्बीज को शूट करने लगती है। विक्रम सिरोही कर्नल को शूट कर रहा था क्योंकि जितनी चोट उसे लगेगी बाकी जॉम्बीज को भी उतनी ही लगेगी। तभी कर्नल उठता है और विक्रम को भी काट लेता है। फिर बहुत सारे जॉम्बीज उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। विक्रम चिल्लाकर कहता है, तुम्हारे पास जो बैग पड़ा है उसमें डिटोनेटर है, उसका बटन दबाओ। तुम्हारे बाप के पास जो बॉम्ब है वो फट जाएगा। उसका बाप कहता है, सानवी तुम बटन मत दबाना वरना मैं मारा जाऊंगा। लेकिन सानवी बटन दबा देती है। अकबर अपनी गाड़ी रोककर नीचे उतरता है क्योंकि बम फटने के कारण आगे का रास्ता बंद हो गया था। फिर सभी जॉम्बीज अपने आप ही तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। फिर सानवी अंदर से बाहर आती है। अकबर उसको गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाता है। अब सुबह हो जाती है। अकबर बाकी के पुलिस वालों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर सानवी वो किताब पढ़ने लगती है जो वो अंदर से लेकर आई थी। उसमें लिखा था, किसी भी परिस्थिति में बेताल का मंदिर नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो मंदिर नष्ट हुआ तो जितने भी लोग अब तक मर चुके हैं वो फिर से जिंदा हो जाएंगे और पूरे देश पर हमला कर देंगे। फिर अकबर सानवी को फोन देता है और कहता है, जल्दी से न्यूज चैनल लगाओ। फिर वो एक न्यूज चैनल लगाती है जिसमें एंकर बताती है कि देश में हर जगह से हमले की खबर आ रही है। हालांकि अब तक इन हमलों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर हमले हो रहे हैं तो कौन है इनका जिम्मेदार। तभी वहां पर बहुत तेज सायरन की आवाज आती है और सब लोग देखते हैं कि समुद्र में बड़े बड़े शिप उनकी ही तरफ आ रहे थे। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये वेब सीरीज पूरी देख ली तो एक नजर बाहर भी घुमा लो, कहीं वो जॉम्बीज बाहर तो नहीं आ गए। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो जॉम्बीज से भी करवा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।